रेडिएंट एकेडमी एजुकेशन फॉर बेटर लाइफ वेलकम्स यू ऑल। आज हम अपने गुडविल चैप्टर में से लास्ट मेथड जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में से है, क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम पेज नंबर 106, और दूसरा क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था मार्च 2020 की, वो वाला क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने वाले और मेथड को अंडरस्टैंड करने वाले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, इसका नाम है कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब कौन सा प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं? तो या तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन हो सकता है, या तो फिर सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन हो सकता है। ये तीनों जो टर्मिनोलॉजीज आपने समझी हुई है कि एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं, ये तीनों प्रॉफिट को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब सिंपल ये होता है कि हम एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट से फॉर एग्जांपल आया 10,000 और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है 10%, तो 10,000 डिवाइड बाय 10% जब हम करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख जो आंसर आया वही क्या होता है, अपना कैपिटलाइज प्रॉफिट। ये कैपिटलाइज प्रॉफिट ये इंडिकेट कर रहा होता है कि 1 लाख रुपीज की नीड है अगर 10,000 रुपए तुम्हारे अर्न करने, अगर आपके 10,000 रुपए आप अर्न करना चाहते हो तो आपको चाहिए 1 लाख रुपीज। अब हम बिजनेस में चेक करेंगे कि हमने बिजनेस में कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हुए, तो वो हमने बिजनेस में कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हुए, कितने रुपीज डिप्लॉय किए हुए, तो वो हमें किसे पता चलता है, थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड। यस फ्रेंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड से हमें पता चलता है। तो हम कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की कितनी गुडविल है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 2 लाख रुपीज है और यही प्रॉफिट और हमारा कैपिटलाइज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके 10,000 रुपए कमाए, जबकि मार्केट के हिसाब से हमें सिर्फ 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके हम 10,000 रुपए अर्न कर सकते थे। इसका मतलब हमने ज्यादा बिजनेस में फंड डेप्लॉय करके रखा हुआ है। जो ज्यादा अगर हमने फंड डेप्लॉय करके हम प्रॉफिट उतना ही कमा रहे हैं, इसका मतलब कि बिजनेस की कोई गुडविल नहीं है। इफ एट ऑल अगर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता 50,000 और हम 10,000 रुपीज हमने अर्न किए होते तो उसको हम बोलते कि हमने गुडविल अर्न किया हुआ है। मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट कर 10,000 रुपए अर्न करने के लिए हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट होने चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ इन्वेस्ट कितने किए हैं 50,000, यानी कि हमने कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो जो कितना कम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वही हमारी क्या बनती है, गुडविल। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड गिव्स यू गुडविल। तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट अपना कितना है अपने एग्जांपल में 1 लाख रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना है 50,000, तो अकॉर्डिंगली हमारा गुडविल कितना आएगा 50,000 रुपीज। तो आपको इतना समझ में आ चुका है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड क्या है। वो सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि आपने जो प्रॉफिट को अर्न किया हुआ है वो प्रॉफिट को अर्न करते हुए आपको कितने फंड आपके बिजनेस में डिप्लॉयड होना चाहिए और उसी फंड को एक्चुअल रियल फिगर के साथ में कंपेयर किया जाएगा। अगर आपकी रियल फिगर जो है वो कम है तो आपका आएगा गुडविल, अगर आपकी रियल फिगर जो है वो ज्यादा है तो आपका कोई गुडविल नहीं है। अब ये तीनों मेथड में तीनों ये जो लास्ट मेथड है इसके तीन एस्पेक्ट्स हैं। जो फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता है गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब यहां पर एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले उस एवरेज प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें जो मिलता है वो क्या होता है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमारी रियल मनी रियल फंड डिप्लॉयड है। ये क्या है कि इतना फंड डिप्लॉय होना चाहिए जितना आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया है उसके लिए। सेकंड एस्पेक्ट ये मेथड का है कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम सिंपल जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करने वाले, वेट्स अलॉट करके वेटेड प्रॉफिट फाइंड करेंगे और टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वही वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अगेन कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज कैसे करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब जो कैपिटलाइज प्रॉफिट जो है वो हमें क्या बताता है कि इतना फंड डिप्लॉय होना चाहिए आपने अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपीज कमाया है तो। अब देखेंगे कि हमने कितना फंड्स रियल में डिप्लॉय करके रखा हुआ है। अगर हमने कम फंड या मनी बिजनेस में डिप्लॉय करके रखा हुआ है तो हमारा क्या जनरेट होने वाली है, गुडविल, और उसी से गुडविल कैलकुलेट होती है
और ये सेकंड एस्पेक्ट था हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड एस्पेक्ट इसी मेथड में होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि हम सिंपल सुपर प्रॉफिट जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हमें कैलकुलेट करते जाना है। सुपर प्रॉफिट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, सिंपल हमने देखा था कि भाई पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं या वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ इयर्स परचेस से। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में ऐसा नहीं करना है, हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और जब सुपर प्रॉफिट हमारे को मिल जाएगा उसके बाद में हम उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगी गुडविल। तो ये देखो इसके दो एस्पेक्ट जो इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट हम कर रहे हैं, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ आएगा तब गुडविल हमें कैसे फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। चलो अब हम जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन उसका कौन सा एस्पेक्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम थर्ड एस्पेक्ट जिसका जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड उसको हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि गुडविल के क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको, ऑलवेज जैसे ही गुडविल का क्वेश्चन आए तो आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन हो वो आंसर शीट में आपके लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है जो आपको देख सकते हो कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दिया हुआ है वो कितना है अपने पास 9 लाख रुपीज, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12%, और लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। और हमें करना क्या है कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। अब कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल को फाइंड करना है इसका मतलब हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट करना है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमको कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा हम देखेंगे लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट। लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप प्रॉफिट देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 में तो वो है 1 लाख 40,000, 1 लाख 30,000, 1 लाख 50,000 और 1 लाख 80,000। यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का साल दर साल बढ़ते चले जाना, यानी 1 लाख था फिर 2 लाख हुआ फिर 3 लाख फिर 4 लाख, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। अगर क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है तो तब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है उसका मतलब क्या होता है कि पहले 1 लाख प्रॉफिट है, सेकंड ईयर में 2 लाख प्रॉफिट है, फिर उसके बाद में 1 लाख 50,000 प्रॉफिट है, फिर उसके बाद में 2 लाख 50,000 प्रॉफिट है, फिर उसके बाद में 1 लाख 80,000 प्रॉफिट है, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं शो कर रहा है प्रॉफिट का। और अगर जब इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं होगा तब हम क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, इफ एट ऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड होता तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते, लेकिन यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है क्वेश्चन नंबर 11 में, इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट, और हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम सुपर प्रॉफिट को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा गुडविल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का प्रेजेंटेशन वर्क किस तरीके से करना है वो अब हम सीख लेते हैं। उसको प्रेजेंटेशन जैसे हमने नॉर्मली क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ वैसे हमें करना है। हमें सिंपल सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन करके कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट वगैरह हमको लिख के रख देना है। उसके बाद हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। ये स्टेटमेंट आपको ऑलवेज लिखना है, प्रेजेंटेशन ऑलवेज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जितना प्रेजेंटेशन आपका नीट एंड क्लीन होगा उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल लिखने के बाद में आपको 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट है स्टेप नंबर, सेकंड है पर्टिकुलर्स, थर्ड है अमाउंट। स्टेप नंबर 1 ऑलवेज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस अभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 9 लाख रुपीज। ऐसा भी हो सकता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी हो, अपने सिंपल क्या करेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी तो अपने को क्या मिल जाने वाला है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 9 लाख, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12% गिव्स यू रुपीज 1 लाख 8,000। 1 लाख 8,000 जो है वो अपना क्या है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 1 लाख 8,000 अपना क्या है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए ईयर दिया हुआ है, पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है इसलिए हमने क्या कैलकुलेट करा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ
यस, हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट आया हमारा 7 लाख अपॉन नंबर ऑफ इयर्स कितना है 5, तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,40,000। अब एवरेज प्रॉफिट 1,40,000 यहाँ पर हमारे बार के कॉलम पे लिख देंगे। स्टेप नंबर 5 इज टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ आगे मेथड में सेम टू सेम उसी तरीके से हमें सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा ₹1,40,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है हमारा 1,08,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया ₹32,000, वो हमारे बाहर के कॉलम में हम लिख देंगे कि सुपर प्रॉफिट है हमारा 32,000। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहां पर वो गलती मत कर देना कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस कर दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है तो हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न करेंगे अपने, सुपर प्रॉफिट इज 32,000 अपॉन 12% गिव्स यू ₹2,66,667, दैट इज योर गुडविल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन गुडविल चैप्टर से, और ये लास्ट क्वेश्चन गुजरात बोर्ड मार्च 2020 एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 था ये, और 4 मार्क्स में पूछा गया था। और मैं आपके साथ अब क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो 2 पार्टनर्स दिए हुए थे और बताया हुआ था कि भाई कैलकुलेट करो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी, जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ था। आपको पता ही है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके थ्रू हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टेटमेंट बनाने वाले, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। इसमें हम 3 कॉलम्स बना देने वाले, एक स्टेप नंबर, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ₹8,00,000। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 12%। एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने वाले, हमें लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर 2014-15, 15-16, 16-17 और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, 90,000 and 1,50,000। उसी से हम कैलकुलेट करने वाले एवरेज प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स 3,60,000 अपॉन 3 गिव्स यू ₹1,20,000, 1,20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हम करने वाले हैं कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, तो हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट मिलेगा वो है ₹10,00,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। Capitalized profit is 10 lakhs. Capital employed already given in question, that is ₹8,00,000. Answer is ₹2,00,000. तो 2 lakh rupees जो answer आया वो क्या है, हमारा goodwill है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा एंड होता है। पहले आप चाहे तो आप पूरे जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is it from today's video. और आज जो था हमारा लास्ट वीडियो था गुडविल के ऊपर। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज रेडियंट एकेडमी, एजुकेशन फॉर बेटर लाइफ, साइनिंग ऑफ।